भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी मदद कर सकती है। सारे लीकेजेस को रोका जा सकता है। हमने अभी जो कोयले का ऑक्शन किया, सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया था। अनेक खदानों का ऑक्शन हुआ, लाखों करोड़ों का काम हुआ, लेकिन इस सरकार पर एक भी इल्जाम नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि हमने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया, संपूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंसी पर हमने बल दिया, और इसलिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट के रूप में उपयोग किया जा सकता है। आई ड्रीम ऑफ अ डिजिटल इंडिया बट टेक्नोलॉजी एंश्योर्स द सिटीजन गवर्नमेंट इंटरफेस इज इनकरप्टेबल। आई ड्रीम ऑफ अ डिजिटल इंडिया वेयर गवर्नमेंट सर्विसेज आर इजीली एंड एफिशिएंटली अवेलेबल टू सिटीजन्स ऑन मोबाइल डिवाइसेस। आई ड्रीम ऑफ अ डिजिटल इंडिया वेयर गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली एंगेज विद द पीपल थ्रू सोशल मीडिया। आई ड्रीम ऑफ अ डिजिटल इंडिया वेयर क्वालिटी एजुकेशन रीचेज द मोस्ट इनएक्सेसिबल कॉर्नर्स driven by digital learning. I dream of a digital India where quality healthcare pre-collaborates right up to the remotest region powered by e-healthcare. I dream of a digital India where farmers are empowered with real-time information to the connected with the global markets. I dream of a digital India where mobile enabled emergency services ensured personal security. I dream of a digital India where cyber security becomes an integral part of our national security. I dream of a digital India where mobile and e-banking ensures financial inclusion. I dream of a digital India where e-commerce drives entrepreneurship. I dream of a digital India where the world looks to India for the next big idea. I dream of a digital India. The netizen is an empowered citizen. एक भारत अभी भी कागजों में उलझा हुआ है और दूसरा पेपर फ्री हो चला है। जाहिर तौर पर डिजिटल लॉकर से कागजी काम काफी कम हो जाएगा। इससे सरकारी विभागों और एजेंसियों में सहूलियत होगी। कोई भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकता है। डिजी लॉकर आपको ये सुविधाएं देगा। आप यहाँ विभिन्न विभागों द्वारा जारी दस्तावेज देख सकते हैं, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज देख सकते हैं, अपने दस्तावेज सीधे साझा कर सकते हैं। जहाँ तक दस्तावेज स्टोर करने की क्षमता की बात है तो फिलहाल यहाँ 10 MB तक के दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं। इस सुविधा से आम लोग भी बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं और अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग अपना अपना डिजिटल लॉकर खोल चुके हैं और 2.5 लाख से भी ज्यादा दस्तावेज अपलोड कर चुके हैं। अब सवाल है यहाँ स्टोर दस्तावेजों की सुरक्षा का। तो हम आपको बताते हैं कि डिजिटल लॉकर वही प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है जो आपका बैंक करता है, यानी यहाँ पड़े दस्तावेज आपके बैंक में पड़े पैसे जितने ही सुरक्षित माने जाएं तो गलत नहीं होगा। संक्षेप में कहें तो ये सुविधा न सिर्फ आपको सभी दस्तावेजों तक पहुँच हर वक्त देती है, बल्कि सरकारी विभागों द्वारा इसका इस्तेमाल काफी कारगर भी लगता है।